नमस्कार, मैं श्रीमती रीता मंडल, मैं पीजी उमाठे पूर्व माध्यमिक कन्याशाला शांतिनगर ब्लॉक धरसीवा और जिला रायपुर और राज्य छत्तीसगढ़ से हूँ। ZIIEI जो है, जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेटिव आइडियाज़ इन एजुकेशन जो है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे, जो हम अपने स्कूलों में लागू कर रहे हैं, उनकी खोज इन्होंने की हमारे स्कूलों में आके ट्रेनिंग के द्वारा। और इसमें से जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ इन्हें पसंद आए उन्हें आज ये पुरस्कृत करने वाले हैं। उन्हीं आइडियाज़ के अंतर्गत मेरा भी आइडिया है, जो कि जो कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं रहती हैं, मेरा जो है वो गर्ल्स स्कूल है, कन्याशाला है। तो मेरे स्कूल में जो कन्याएं हैं, छात्राएं हैं, कक्षा 8वीं के बाद वो कक्षा 9वीं में चली जाती हैं। तो कक्षा 8वीं में जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जो भी उनके लक्ष्य 8वीं कक्षा में मुझे बताते हैं, मैंने यह नोटिस किया है कि जब वही छात्राएं कक्षा 12वीं में कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज जाती हैं, तो उनका जो लक्ष्य रहता है, जो कक्षा 8वीं में उनका लक्ष्य था और अभी कक्षा 12वीं के बाद का जो लक्ष्य है, वो पूर्णतः भिन्न हो जाता है। जो छात्राएं मुझे कक्षा 8वीं में बताई थी कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, कक्षा 12वीं में आते आते मैं यह देखती हूँ कि वही छात्राएं या तो आर्ट्स ले लेती हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में वो कुछ करना चाहती हैं। तब मेरे मन को वो झंझोर देता है वो पल, और तब मैंने सोचा कि मुझे इन जो भी ये लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर रहे हैं उसको सुदृढ़ बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पहल करने की आवश्यकता है। और उसके बाद ही मैंने कक्षा 8वीं की जो छात्राएं हैं वो हमें बताती हैं, हम उसको लिख के रखते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, उनके जीवन में क्या उनके लक्ष्य हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि इनके लक्ष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए मैं उनसे संबंधित जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे जो बच्चियां मुझे बताती हैं कि बड़े होकर मैम हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चियां बताती हैं कि हम बड़े होकर पुलिस में जाना चाहते हैं, कुछ बैंक में नौकरी करना चाहती हैं, तो उन छात्राओं को मैं लेकर उनसे संबंधित व्यक्तियों से मिलवाने के लिए लेके गई। जैसे जो छात्राएं मुझे बोली थी कि मैम हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन छात्राओं को लेके मैं रायपुर के ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल वहाँ लेकर गई और वहाँ के जो न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, उनसे मिलवाई। और उन्होंने बच्चों से इतनी अच्छी तरीके से आधे घंटे का समय दिया उन्होंने, और उन्होंने बच्चों से इतने अच्छी तरीके से बातचीत की, उन्होंने अपनी पूरी यात्रा सुनाई डॉक्टर बनने की, जो उनकी यात्रा है, जीवन की यात्रा है, कितना कठोर परिश्रम किया उन्होंने, वो सब उन्होंने बच्चों को बताया। और उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद भी जो आज उनकी कार्य प्रणाली है, जो उनकी क्या किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका क्या शेड्यूल रहता है, कैसे कैसे उनको विपत्तियों का भी सामना करना पड़ता है, वो सभी उन्होंने बच्चियों के साथ शेयर किया। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने बच्चियों के अंदर जो एक आत्मविश्वास देखा कि ऐसे तो बच्चियाँ हॉस्पिटल जाते ही हैं बट वो एक मरीज के रूप में जाती हैं, पर आज जब वो एक गाइडेंस पाने के लिए जब वो डॉक्टर से मिली और उनके अंदर जो आत्मविश्वास मैंने देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा ये जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होगा। ऐसे ही मैंने जो बच्चियाँ मुझे बताई थी कि वो बैंक मैनेजर या बैंक में नौकरी करना चाहती, बैंकर बनना चाहती है, उन बच्चियों को लेके मैं अपने ही शाला के निकट के SBI ब्रांच में जाकर, इंद्रावती नगर कॉलोनी जो है वो हमारे शाला के बिल्कुल नज़दीक है, और उन बच्चियों को लेके मैं उस ब्रांच में गई और ब्रांच मैनेजर से मैंने समय मांगा, उन्होंने भी मुझे समय दिया और उन्होंने भी बच्चियों से बातचीत की कि अगर उनको बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बैंकर बनना है, तो उन्हें कौन कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी। और सबसे जो उपयोगी सलाह उन्होंने दी वो थी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के बिना बैंक में कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक जीरो भी हम अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि राशियों से संबंधित रहता है बैंक का काम, यदि हम एक भी जीरो कम या ज़्यादा करते हैं तो वो पूरी उनका जो पूरा हिसाब किताब है वो गलत हो सकता है। तो बैंक मैनेजर के द्वारा बच्चियों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया गया और उसके बारे में बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया गया। वहाँ से भी निकलने के बाद मैंने बच्चियों के जो आत्मविश्वास था, जो स्तर था पहले और अभी के स्तर में, मैंने बहुत ज़मीन आसमान का अंतर देखा और मुझे लगा कि सच में ये जो तरीका है, शायद इससे बच्चे, शायद हर बच्ची ना बने बट अगर 5 बच्चियाँ भी अगर कुछ बन जाती बड़े होकर, तो मुझे ये लगेगा कि मैंने भी उनके इस
इस पायदान को पाने के लिए मेरा भी कुछ उसमें योगदान जरूर है। इसी प्रकार कुछ बच्चियाँ ट्रैफिक पुलिस में जाना चाहती थी, तो मैं अपने पास ही के चौक में, स्कूल के पास ही का जो चौक है भगत सिंह चौक, वहाँ लेकर गई और ट्रैफिक मैन श्री आज़ाद सिंह जी से मैंने उनको मिलवाया और उन्होंने पूरे टिप्स बताए कि महिलाओं को इस पुलिस की नौकरी में आने के लिए 800 मीटर की जो रेस होती है वो उनको पार करना ज़रूरी है, जिससे बच्चों के मन में ये आ गया कि मुझे दौड़ में भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमको इस क्षेत्र में आना है। इस प्रकार मैंने संबंधित उनके लक्ष्य से संबंधित सभी सम्मानित व्यक्तियों से उनको मिलवाने की कोशिश की और एक बच्ची जो है वो बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने रायपुर के कलेक्टर श्री एस भारतीदासन जी से भी उसको मिलवाने के लिए लेके गई और उस बच्ची में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास देखा और मेरा ये जो प्रयास है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़े होकर बच्चियाँ यदि अपने लक्ष्य को पा लेंगी तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूँगी। ZIIEI जो है जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेटिव एजुकेशनल आइडियाज, ये जो संस्था है इन्होंने अपने प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक शालाओं में ट्रेनिंग का आयोजन किया था, एक दिवसीय जो वर्कशॉप जैसा है। इसी के अंतर्गत हमारी शाला में भी, हमारे ब्लॉक में, हमारे जिले में भी ऐसे एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें श्री अविनाश जी आए थे ट्रेनर के रूप में और उन्होंने अपने विकास खंड, अपने संकुल के सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया था और उन सभी के साथ उन्होंने चर्चा की थी कि आप अपने स्कूल में नया क्या कर रहे हैं, आप अपने स्कूल में कौन सा नवाचार कर रहे हैं, भले वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो उन्हीं नवाचारों के अंतर्गत हमने भी अपने नवाचार बताए और सभी शिक्षकों ने भी बताए, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी और ये जो आज अवार्ड फंक्शन के बारे में मेरी पिछले दो वर्ष के पहले मेरी एक फ्रेंड थी श्रीमती लीना वर्मा, वो भी यहाँ पे आई थी, तब मुझे पता चला कि इस तरह का कोई आयोजन यहाँ पे होता है और मैं अरविंदो सोसाइटी और ZIIEI का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे नवाचार को भी यहाँ तक लाने में मदद की और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ की सारे इंडिया के सभी देशों, सभी स्टेट्स के टीचर्स से हम मिल पाए और उनके भी विचारों से हम अवगत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।